दोस्तों, कुकिंग विथ रोमाली में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की रेसिपी है प्याज का पराठा। उसके लिए मैंने यहाँ पे गेहूँ का आटा लिया है और इसमें मैं अजवाइन डाल दी हूँ। अब मेथी, सूखे मेथी पत्ते डाल रही हूँ इसमें, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ और रिफाइंड इसमें मैं डाली हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे मैं अच्छे से मिक्स करके अब इसमें पानी डाल के इसे एक डो तैयार कर लूँगी। एक सॉफ्ट डो इसका तैयार करके, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसे मैं 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अब यहाँ पे मैंने प्याज लिया है, इसे मैं कट कर रही हूँ। पहले तो इसके जड़ को हटा दूँगी मैं। अब इसका मैं पतला पतला कट कर रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। इससे हमारे प्याज के पराठे अच्छे बनेंगे और प्याज निकलेगा भी नहीं बेलने के टाइम। आप देख सकते हैं, मैंने सारे प्याज काट लिए हैं। और अब इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि हल्दी पाउडर डाला है इसमें मैंने, गोल मिर्च का पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, सारे मसाले सारे प्याज में अच्छे तरीके से कोटेड हो जाने चाहिए, इसलिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक बॉल ले लिया है आटे का और इसे अच्छे से कटोरा शेप दे रही हूँ। इसमें मैं अपना ये फिलिंग भरूँगी, प्याज का फिलिंग डालूँगी इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें इसमें प्याज को अच्छे से फील कर लिया है मैंने। अब इसमें मैं सूखे आटे लगा के इसे अच्छे से बेलूंगी। ये देखिए, हमारा ये एक पराठा बेल के तैयार है। आप जैसा कि देख सकते हैं, अब इसे अच्छे से मैंने घी में इसे अच्छे से तला है। आप चाहें तो रिफाइंड में भी अच्छे से इसे सेक सकते हैं। और इसे मैं दही के साथ सर्व कर रही हूँ। तो हमारा ये प्याज का पराठा बनके तैयार है। ये बहुत सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप ब्रेकफास्ट में, डिनर में खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसे। और इसे बनाना भी बहुत आसान है, सारे सामान घर में अवेलेबल ही रहते हैं, तो इसे बनाने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो आप देख सकते हैं, हमारा ये लजीज प्याज का पराठा बन के तैयार है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।